हमारे साथ इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। सर, सबसे पहला सवाल है आपसे कि चाइना सी में एक इंडियन शिप जो है अनस्ताजिया, वो फंसा हुआ है, इसके 39 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं, वहाँ से वो गुहार लगा रहे हैं, 6 महीने से ऊपर हो गया है, आपको क्या कहना है? देखिए, इसमें एक ही बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी की कमी है। ऐसी घटना कहीं भी घट सकती है, और ये कहना कि ये क्यों हुई, कैसे हुई एक्सेट्रा, वो तो बाद की बात है। लेकिन जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जो हमारे लोग वहाँ फंसे हैं उनको वापस लाने की प्राथमिकता होनी चाहिए, और अगर सरकार संपर्क में रहे, चीन की सरकार से संपर्क में रहे, और इनके पास जो साधन होते हैं वो साधन हैं, तो उनका सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा, ये एक सवाल उठता है। रॉबर्ट वाड्रा जो हैं उनके साथ इनकम टैक्स की पूछताछ चल रही है, किस तरह देखते हैं इसे आप? देखिए, इनकम टैक्स को पूछताछ करने की ज़रूरत है क्या? इनकम टैक्स के पास सारे ही पेपर्स होते हैं, इनकम टैक्स के पास सारे ही रिकॉर्ड्स होते हैं। अब वो उन्हें दुनिया में और कोई नहीं मिला, अब वो सिर्फ एक विशेष परिवार के अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहते हैं, वो करें। लेकिन ये बताता है, दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं बड़े इनसिक्योर हैं, सरकार इनसाइड बहुत इनसिक्योर है, बहुत डर रही है, खौफजदा है। अगर वो करना चाहते हैं वो करें, उससे कांग्रेस कोई डरने वाली नहीं। थैंक यू सर। तो ये थे सलमान खुर्शीद जी हमसे बात करते हुए कैंपस एंड गंगा सिंह के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।